जगह देख के ऐसा मत करिए, जगह बहुत छोटी सी बनाई है, लेकिन चलिए ऊपर जाके देखते हैं। एंड 500 पर पर्सन है, और साथ में ये छोटा सा एक मार्केट भी है सुवीनियर्स के लिए। हेलो गाइस, टुडे वी आर इन कोची सिटी। कोची इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी एंड अ गेटवे टू केरला। आज हमारा चौथा दिन है केरला में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कोची। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज है डे 4 और मैं हूँ अभी अपने होटल फ्रेग्रेंट नेचर की छत पे। एंड अभी आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे। सो नंबर 1 टूरिस्ट प्लेस इज पारादेसी और ज्यूइश सिनागॉग। तो ये जो सिनागॉग एस्टेब्लिश हुआ, ये हुआ है 1568 में। तो जब ज्यूइश का जो राजा था वहाँ का, पैलेस्टीन का, वो यहाँ पे फ्लाई करके आया और यहाँ के कोचीन के राजा से उन्होंने मदद मांगी थी। तो उस सब की पूरी स्टोरी इन्होंने स्टार्ट से लेके एंड तक डिपिक्ट करी है। तो सिनागॉग का मतलब है बेसिकली कि वो जगह जहाँ पे ज्यूइश लोग प्रेयर करने जाते थे या अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने जाते थे। तो यहाँ अभी मैं जस्ट एंटर हुआ है। पहले जो था एक दिखाया मैंने, वो ब्रीफ एक डिस्क्रिप्शन था कैसे ज्यूइश लोग यहाँ पे सेटअप हुए, और अभी हम लोग जा रहे हैं उनके सिनागॉग में। Read this to know amazing facts about the synagogue. Number 2 is Jew Town or Jew Street. It's a very beautiful street with shops and cafes on both the sides. तो ये बेसिकली जो ज्यूइश सिनागॉग है उसके बाहर में ये स्ट्रीट है, ज्यूइश स्ट्रीट। तो यहाँ पे आपको सब एंटिक चीज़ें, जो पारसी कॉलोनियल टाइप चीज़ें, आपको मिलेंगी यहाँ पे देखने को। तो ये अंदर बेसिकली एक कैफ़े है, कैफ़े बुक्स। तो यहाँ पे बुक्स रीडिंग आप कर सकते हैं, और एथनिक कपड़े, सुवीनियर्स, एंटिक चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। एंड काफ़ी कूल एनवायरनमेंट था अंदर, बट अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं कुछ दिखा नहीं पाया ज़्यादा। Third is Mattancherry Palace. तो ये था मैटनचेरी पैलेस, यानी कि डच पैलेस। इसका एंट्री टिकट था 5 रुपये एंड अडल्ट्स के लिए। चिल्ड्रन जो है उनकी एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ म्यूजियम। अगर आपको डच हिस्ट्री में या फिर कोचीन की हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज फोर्ट कोची बीच। देयर यू कैन हैव द एक्सपीरियंस ऑफ फिशिंग विद द फिशरमैन विद चाइनीज नेट्स। You can enjoy the leisurely walk and watch the sunset here as well. यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट भी है to get some souvenirs back home. अंदर अंदर में यहाँ पे कैफेज बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बट थोड़ा सा घूमना पड़ेगा तो ही जाके पता चलेगा कौन सा कैफे अच्छा है, कौन सा नहीं, और कहाँ कहाँ पे है। ऐसा कुछ पर्टिकुलर लाइन नहीं है कि एक लाइन से कैफे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अंदर अंदर छोटी छोटी गलियाँ हैं, और हर गली में एक आध कैफे मिल ही जाएगा आपको। नंबर 5 इज लुलूज मॉल कोची। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल इन इंडिया एंड द बिगेस्ट वन इज इन त्रिवेंद्रम।
तो ये अबू धाबी बेस्ड ब्रांड है एंड काफी अच्छा मॉल है, काफी बड़ा मॉल है। इट्स अ मस्ट विजिट व्हेन इन कोची। और एक्चुअली में बाहर से लग रहा था बट एक्चुअली में मॉल बहुत बड़ा है। कौन सा ब्रांड आप अपने माइंड में सोचो, सब ब्रांड आपको यहाँ पे मिलेंगे, सबकी शॉप्स यहाँ पे मिलेंगी। इसके अंदर लूलू का खुद का हाइपर मार्केट भी है जिसमें आपको फ्रेशली मेड माउथ वाटरिंग मल्टीपल कुजीन डेलिकेसीज मिलेंगी जो कि आप एज आ टेक अवे लेके जा सकते हैं। नंबर 6 इज कथकली डांस शो। तो हम लोग पहुंच गए हैं, जो टाइमिंग्स हमने नेट पे देखी थी वही हैं, 5 से 6 मेकअप टाइमिंग रहती है और उसके बाद 6 से 7 डेली शो रहते हैं। तो अभी चलते हैं फटाफट अंदर और अपना टिकट लेते हैं। At least we are going to see something different. A visit to Kochi would be incomplete without witnessing the mesmerizing art form of the region, the Kathakali dance. So when in Kerala, you shouldn't miss an amazing Kathakali dance performance. Be amazed by the vibrant makeup and dramatic costumes of the performers who dance and act out Hindu epics. Pro tip: try to reach as early as possible so that you can get a seat in a front row because it's first come first serve basis. Number 7 is Marine Drive. तो भाई साहब हम लोग हैं अभी कोची के मरीन ड्राइव पे। यहाँ से सनसेट व्यू अच्छा दिखता है। ऑल दो अगर आपको व्यू अच्छा चाहिए तो पीछे एक रोड है मरीन ड्राइव एक्सटेंशन। अभी हम रास्ते से आ रहे थे तो हमें वो रोड बेसिकली थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, बट वहाँ बैठने की उतनी सुविधा नहीं है। लेकिन पीछे कुछ कुछ खाने के स्टॉल्स भी हैं और व्यू ज़्यादा अनऑब्स्ट्रक्टेड है। यहाँ पर थोड़ा ऑब्स्ट्रक्टेड व्यू है बट आपको यहाँ बोटिंग करने का ऑप्शन मिलेगा, तो बोटिंग करनी है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। एंड ओवरऑल सनसेट का व्यू अच्छा है यहाँ पर। Next is very adjacent to Marine Drive, Rainbow Hanging Bridge. This is Rainbow Hanging Bridge. जब अंधेरा होगा तो लाइट रेनबो जैसा दिखेगा। Number 9 is Kochi Water Metro. जी हाँ, Kochi Water Metro जो कि इंडिया का इकलौता वाटर मेट्रो है वो कोची में है, तो इसकी आप सवारी ले सकते हैं। ये जो वाटर मेट्रो बोट सर्विस है ये कोची के बैक वाटर्स में ऑपरेट करती है और ये जो नियर बाय आइलैंड्स हैं उनको कनेक्ट करती है मेनलैंड कोची के साथ। बट प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से जो वाइपिन आइलैंड है वहाँ का 20 रुपये तकरीबन सब जगह आई थिंक ऐसा ही रहेगा, 20-30 रुपये का ही प्राइस रहेगा, नॉमिनल प्राइस रहेगा। नंबर 10 इज Princess Street. Princess Street काफ़ी अच्छी स्ट्रीट थी, काफ़ी लंबी स्ट्रीट नहीं है, छोटी है, बट काफ़ी सारी दुकानें हैं, कैफे हैं और लाइटिंग्स वगैरह है, तो यहाँ इस स्ट्रीट पे अच्छा लगेगा। और यहीं पे आप लोफर्स कॉर्नर में यू कैन हैव योर फूड, ये बहुत ही क्यूट और सुंदर कैफे है। तो ये थी ऐसी 10 टूरिस्ट प्लेसेस जो आप विजिट कर सकते हैं जब आप केरला आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।